मध्य प्रदेश में हवस की दरिंदे किस कदर महिलाओं और मासूम बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं, इसकी एक तस्वीर मध्य प्रदेश के दमोह जिले से फिर सामने आई है, जिसने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। टाइटन वर्ल्ड शोरूम, यहां आपको मिलेंगी ब्रांडेड घड़ियां, चश्मे, पर्स, बेल्ट, साथ ही इंटरनेशनल ब्रांड भी उपलब्ध। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरोनिया। दरअसल दमोह जिले के कुमारी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 17 वर्षीय किशोरी जो मेडिकल स्टोर पर दवाइयां लेने जा रही थी, तभी रास्ते में किशोरी का अपहरण कर उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार की गईं। बताया जा रहा है कि बीती 3 नवंबर को 17 वर्षीय किशोरी घर से मेडिकल स्टोर के लिए दवाइयां लेने निकली थी, लेकिन तभी मनीष सोनवानी ने उसका अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया और वह उसे एक मकान पर ले गया, जिसकी चाबी एक अन्य आरोपी नईम खान के पास थी। इस दौरान अन्य आरोपी नईम खान घर के बाहर खड़े होकर देख रेख कर रहा था। घबराई किशोरी जैसे तैसे अपने घर पहुंची, जहां उसने सारी आपबीती अपने परिजनों को बताई, जहां परिजनों ने कुम्हारी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जहां पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ धारा 376 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। पीड़िता की चूंकि माँ रिश्तेदार में गई थी, तो माँ उपस्थित नहीं थी और उसके परिजन थे, परिवार के अन्य सदस्य, वो उसको थाने लेकर आए थे। तो पीड़िता ने जो अपने थाने में घटना के संबंध में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, उस आवेदन पत्र में जो तथ्य सामने आए थे, तो थाने पर उस आवेदन पत्र पर से धारा 354, 354 डी, IPC और 7/8 और 11/12 पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी जो मनीष सोनवानी है उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया था और विवेचना में लिया गया था। फिर विवेचना के दौरान पीड़िता के कथन मेडिकल और जिला न्यायालय से उसके कथन कराए गए थे। फिर जब उसकी माँ उपस्थित आई यहाँ पर कुम्हारी में और उसके सामने पूछताछ की गई और माँ ने भी लड़की से अपने में अच्छे से पूछताछ की, तो लड़की ने कुछ नए तथ्य सामने बताए, तो उन तथ्यों पर से फिर से पीड़िता के कथन लेख किए गए और मेडिकल परीक्षण कराया गया जिला अस्पताल दमोह भेजकर, और मामले में धारा 376, 342, 506 IPC और 3/4 पॉक्सो एक्ट का इजाफा किया गया है। बहरहाल मध्य प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार दिन व दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और इन्हीं अत्याचारों के चलते कई दफा महिलाएं कुछ घातक कदम भी उठा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज।